हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन बैंक योर डिफेंस बाय एग्जांपल। तो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बैंक योर डिफेंस पे। तो कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे जहां पे हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। तो कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी? कैसी चल रही है? मज़ा आ रहा है तैयारी में या नहीं आ रहा है, ये बता दो भाई। सबसे पहले तो गुड इवनिंग आदित्य कश्यप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सबसे पहले और साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ, कल से आपकी ऑनलाइन वेंचर डिफेंस पर मेरी जो क्लास होगी वो आपकी 2 घंटे होगी। 1 तो 2 बजे जहाँ पे मैं आप लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगी, 1 होगी आपकी 5 बजे जहाँ पे मैं आपको टारगेट करूंगी वर्बल रीजनिंग के लिए, ठीक है। और दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस भी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मजे की बात है, तो मतलब मजा ही मजा है आप लोगों का। तो कल क्यों नहीं आई? कुछ फंक्शन था तो उसकी वजह से मैं कल नहीं आ पाई, ठीक है। FCAT 2021 की तैयारी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए 18 अगस्त से 25 अगस्त तक आपकी जो मेरी क्लास होगी वो आपको डेली बेसिस पे मेरी 2 घंटे लगातार मिलेगी, चाहे वो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हो और 5 बजे आपकी वर्बल रीजनिंग क्यों ना। 26 और 27 को आपकी मैराथन होगी, वो भी 12-12 घंटे की मैराथन होगी। सो आप सब तैयार है अपनी FCAT की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी न्यूज थी विजेंद्र, गुड इवनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। बताओ, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तीज चतुर्वेदी। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल एक दिन मैं क्लास में नहीं आई तो आप सारे के सारे गायब हो गए आज। ये तो ना इंसाफी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जहां पे आपको बताना है बकरी मतलब इज अ गॉड, डॉग शेप एंड काउ, इन सब में से आपका जो अलग बनेगा वो आपका अलग क्या बनेगा। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। कार्तिक एग्जाम पोन, एग्जाम पोस्टपोन, मारूंगी पकड़ के, रुक जा। कोई पोस्टपोन नहीं हो गया एग्जाम। आशीष, अफवाह फैलाना बंद कर, एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा। FCAT 2021 एग्जाम डेट इज कंफर्म टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 28 अगस्त टू 30 अगस्त। ऑलमोस्ट 334 पोस्ट वर दिस ईयर अनाउंस बाय द अथॉरिटी इन रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट फॉर FCAT। अभी आऊंगी, देखा ये तो एग्जाम आपका 28 अगस्त टू 30 अगस्त होगा। ऐसा कोई पोस्टपोन वाला नोटिस अभी बिल्कुल भी नहीं आया है। एक बार मैं आपको वह और चेक करके बता देती हूँ। मैम कल मेरा सीजल है आशीर्वाद फेंक के मारे, ठीक है। और FCAT 2 के लिए मैं आपको बताती हूँ, एडमिट कार्ड के लिए भी कुछ आया ही नहीं है आर्टिकल। एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया? मैम एडमिट कार्ड तो आया नहीं है। कोई नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो। और भाई प्रभात, तेरा यदि कल पेपर है SSC सीजल का तो आशीर्वाद फेंक के मार रही हूँ मैं तेरे सर पर। तो अच्छे से एग्जाम दे के आई हो और अच्छे नंबर लेके आई हो अपने सीजल में, ठीक है। ले फेंक दिया मैंने आशीर्वाद तेरे सर पे जाके लगा, ठीक है। कहाँ से फेंका है? चांद से फेंका है ना, प्लेनेट मेरा अलग है ना। तो प्लेनेट नहीं, मेरा मतलब बुध प्लेनेट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, वहां से फेंक के मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया। जय हिंद। नहीं बेटा, वो रूमर से होगा कि एग्जाम पोस्टपोन है, एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं है, क्योंकि एग्जाम यदि पोस्टपोन होता तो मैं तो मतलब बिल्कुल अपडेट रहती हूँ FCAT के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम कभी पोस्टपोन होगा। इस टाइम एग्जाम आपका पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि एग्जाम यदि पोस्टपोन नहीं है तो आपको तैयारी है जो बेहतर बनानी है।
क्या कह रहे हैं आदित्य मुस्कान, आएंगे गाइस रास्ते में है, इतने बच्चे क्यों हो तुम लोग? एडमिट कार्ड नहीं आया अभी आपका, एडमिट कार्ड ये 2 या 3 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो। चलिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डॉगी। क्या बनेगा कांशा शुक्ला? डॉग जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका डॉग। डॉग क्यों राइट आंसर बनेगा? सारे के सारे जो आपके एनिमल है वो क्या है, आपके क्या है, ग्रास खाने वाले एनिमल है, मतलब आपके घास खाने वाले एनिमल है, लेकिन जो आपका डॉग है वो क्या है, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। सो राइट आंसर इज दैट डॉग विल बी द करेक्ट आंसर। डॉग जो है वो क्या है, आपका मांसाहारी है। हाँ ये निर्भय भी फर्स्ट क्वेश्चन है, मासूम बच्चा क्या कह रहा है? मैम 23 को सीजल का एग्जाम है, कुछ टिप दे दो। तुम लोगों को वाकई में मेरी टिप की जरूरत है? 23 को है ना मासूम बच्चे, तो अपनी तुम मेरे से पढ़े भी हुए मासूम बच्चे, मुझे याद है तुम्हारा नाम, ठीक है। सो मासूम बच्चे 23 को यदि तुम्हारा सीजीएल का एग्जाम है, सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट नहीं करनी है, जितना क्वेश्चन आते हैं उतने ही अटैम्प्ट करके आने। फोकस करना कि सबसे पहले जीएस और इंग्लिश को खत्म कर दो। जीएस और इंग्लिश में क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, जो नहीं आते उन्हें छोड़ दो। बात आते हैं मैथ और रीजनिंग, उसमें आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन जीएस एंड रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश को खत्म करने की कोशिश करना 10 मिनट। और अभी आपका 23 को एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो मॉक टेस्ट लगाने की, जो तुम्हारे जो रेंडमली वन वर्ड आपकी जो चीजें हैं वो खत्म कर दो। जीएस को फटाफट से पढ़ लो, ठीक है, या अपनी उसको पढ़ लो, इंग्लिश को वन वर्ड idiom phrases ये सब पढ़ लो। यदि आपको कोई फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले एक बार देख लो, ठीक है, ओवरऑल फॉर्मूले देख लो, ठीक है। अच्छा यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, ए ऑप्शन, भाई ए ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन को छोड़ के प्लांटिफुल हुआ, कॉपियस हुआ या एम्पल हुआ, इन सब का मतलब होता है सफिशियंट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है। अबंडेंस मतलब क्या होता है, मोर देन सफिशियंट अमाउंट, मोर देन सफिशियंट अमाउंट। और बाकी के तीनों क्या है, आपके सिनोनियम है, पर्यायवाची शब्द है। सो राइट आंसर इज आर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, डायामीटर एंड हाइग्रोमीटर, ये तो बहुत इजी है, मुझे तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। इन सब का मीनिंग अलग है मुस्कान, लेकिन लेकिन अबंडेंस का जो मतलब होता है वो होता है आपका मोर सफिशियंट, बाकी सबका जो मीनिंग होता है वो होता है सफिशियंट, पर्याप्त है, ठीक है। पर्याप्त मतलब मैं खुश हूं, इनफ है, इनफ इनफ बस, ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है मोर सफिशियंट का, कि आपको कुछ ज्यादा ही लालसा है। क्लियर, वेरी गुड मानसी, प्रभा, सूरज, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डायमीटर, क्योंकि ये होता है आपका व्यास। बाकी का हाइड्रोमीटर हुआ, बैरोमीटर हुआ, हाइग्रोमीटर हुआ, ये सब मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट को क्या है, मेजरमेंट करने के क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जग, पिचर, टम्बलर, बोटल एंड सॉसर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जग हुआ, पिचर हुआ, टम्बलर हुआ, बोतल हुआ या सॉसर हुआ, ये आपके ए बी सी और डी, ये चारों के चारों आपके कुछ ना कुछ चीज भरने के। टम्बलर, टम्बलर बेटा पानी भरने का एक वो होता है, टम्बलर आपने देखा है अमित, हम स्कूल में लेके जाते थे टम्बलर, हम बहुत खुश होते थे जब हमने पहली बार टम्बलर यूज किया था बचपन में, ठीक है। एक टाइप का वो होता है, वो एक टाइप की बोतल होती है छोटी सी, जिसको तुम ऐसे ढक्कन को ना ऐसे उठाते हो, ऐसे करके ऐसे उठाते हो टम्बलर, ठीक है। सो राइट आंसर टम्बलर नहीं बनेगा इसका, राइट आंसर बनेगा सॉसर। सॉसर में आप कुछ चीज रखने वो मतलब पुट नहीं कर सकते, ठीक है। टम्बलर में भी आप पानी रख सकते हो, जग में भी, ठीक है, घड़े में भी, बोतल में भी, लेकिन सॉसर में आप क्या है पानी नहीं रख सकते। सॉसर को छोड़कर सारे के सारे कैन बी फिल्ड अप विद समथिंग, किसी ना किसी चीज से क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। बिल्कुल ग्लास जैसा होता है मुस्कान चौधरी, बस उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, ठीक है। बचपन में यूज क्या होगा तुमने टम्बलर,
हाँ जी आकांक्षा शुक्ला, लीव फ्लावर फ्रूट ब्रांच एंड रूट, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सो राइट आंसर इज अ रूट, क्योंकि सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बाकी के सारे आपके सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर ग्रो नहीं होते हैं, सो राइट आंसर इज अ रूट विल बी द करेक्ट आंसर। पेन मार्कर पेपर पेंसिल, पेन मार्कर पेपर पेंसिल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पेन मार्कर पेपर पेंसिल, यदि हम इस क्वेश्चन का वो करें देखें ध्यान से ऑब्जर्व करें सो राइट आंसर में प्रभात की, हाँ प्रियांशु प्रभात मार्च से एग्जाम देने जा रहे, देखो एसएससी सीजन ने कहाँ का एग्जाम दे रखा है, आज मुझे लगता है बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है ना, मतलब आराम से ढीले ढाले, और तुम्हें पता है अफगान में कितना सब कुछ हो रहा है, यदि आप लोग करंटली कोई एसएससी देने जा रहा है तो वो थोड़ा सा अफगान के उस पर थोड़ा सा पढ़ के जाइए ठीक है, अफगान एंड तालिबान एंड देन यूएसए, इंडिया पे क्या इफेक्ट है, इंडिया की क्या चीजें होंगी, कौन कौन उसमें शामिल है ठीक है, ये सब जरूर पढ़ के जाइए जो करंटली एसएसबी देने जा रहे हैं, समझ में। सो पेपर विल बी द, हाँ बेटा इस क्लास को टीवी पे देख सकते हैं, यदि तुम्हारा टीवी जो है वो एंड्रॉइड हो तो ठीक है आराम से देख सकते हो, यूट्यूब से, यूट्यूब को चलाइए, यूट्यूब से कनेक्ट करके मेरी क्लास को देख सकते हो आप ठीक है। सो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा पेपर, क्योंकि बाकी के सारे सारे आपके राइटिंग मतलब लिखने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक है, इग्लू हाउस हट फ्लैट एंड फैक्ट्री, बताओ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि सारे के सारे आपके एक ह्यूमन बीइंग के रहने की जगह है ठीक है, लेकिन फैक्ट्री इज अ वर्किंग प्लेस। सो प्रियांशु राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल टेंजेंट स्क्वायर एंड रोम्बस, ट्रायंगल टेंजेंट एंड स्क्वायर एंड रोम्बस, बताओ यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा आंसर इज अ टेंजेंट, बिकॉज ये सारे के सारे आपकी क्या है फिगर है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको मैथ आती है बताओ, बताओ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, बताओ टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के बाहर ऐसे खींची जाती है टच करते हैं लाइन, वो होती है आपकी टेंजेंट है ना, और बाकी क्या है सारी की सारी आपकी फिगर है राइट और नॉट। बिल्कुल सही कहा कपिल, आदित्य, रीनू, मुस्कान, आता ही नहीं, वॉल्यूम साइज लार्ज शेप एंड वेट, बताओ वॉल्यूम साइज लार्ज शेप एंड वेट, वॉल्यूम को छोड़कर बाकी के सब वर्ड में आपके क्या है टू वोवल्स हैं, ये अलग है डिफरेंट है थोड़ा सा ठीक है, या आप ये कह सकते हैं देखिए दो वोवल है आई और ई, वॉल्यूम को छोड़कर सब में आपके क्या है दो वोवल है आई ए ई, वॉल्यूम में आपके क्या है तीन वोवल है, तो राइट आंसर इज अ वॉल्यूम विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है। शिवम, ऋषभ, रोहित, प्रभात, मानसी, रोहित चौहान, आकांक्षा शुक्ला, सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज सिल्वर कैडमियम प्लेटिनियम, बताओ ब्रॉन्ज जो है वो आपका क्या है मिश्र धातु है, अलॉय है, संचिता ठीक है, बाकी के सारे क्या आपके एक मेटल है, सो राइट आंसर इज या एलिमेंट मेटल ठीक है। सो राइट आंसर जो बनेगा आकांक्षा शुक्ला वो बनेगा ब्रॉन्ज, आकांक्षा में हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे हम पीडीएफ को ठीक है, क्लियर है, ब्रॉन्ज विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रॉन्ज काम ही नहीं, प्रियांशु प्रियांशु तुम्हारा पेपर कब है एसएससी का, तो यह भरा होगा डेफिनेटली एसएससी सीजीएल भरा होगा या डीआई पेपर, प्रियांशु राज, कर्ड बटर ऑयल चीज एंड क्रीम, अच्छा यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसकी तैयारी जो है वो एफकेट की अच्छी हो रखी है कि एटलीस्ट रीजनिंग में वो 90 मार्क्स आराम से लेके आ जाए,
यदि 32 क्वेश्चन होते हैं तो 90 मार्क्स आराम से लेके आए, बताओ क्या कह रहे। लार्ज साइज यूनिट, बेटा यूनिट के है, वॉल्यूम हुआ, साइज हुआ, शेप हुआ, वेट हुआ। लार्ज साइज स्मॉल बिग, वॉल्यूम में आपका लीटर आता है, शेप होता है आपका मोटे हो पतले हो, लीन है कैसे, वेट में। हाँ आप बोल सकते हो लार्ज, लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि उसने कौन सा आंसर टिक किया है, ठीक है। चलिए ऑयल को छोड़कर बाकी के सारे आदित्य कश्यप किससे ऑप्टेंड होते हैं, मिल्क से ऑप्टेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट चेस एंड हॉकी, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो चेस को छोड़कर सारे के सारे आपके क्या हैं, आउटडोर गेम्स हैं। क्या है, चेस आपका इंडोर गेम है और बाकी का आपके सारे के सारे क्या है, आउटडोर गेम्स हैं। सुशील क्या कह रहे हैं, मैम टेल अबाउट एफ केट एडमिट कार्ड, मे इज बी ऑन द 23rd August गांधीनगर, मस्ट विद एग्जाम गाइड मी पोस्टपोन। नहीं, एग्जाम आपका जहाँ तक है वो पोस्टपोन नहीं होगा, आप 2-3 दिन का और एक वेट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि वो पोस्टपोन होगा, होता तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता। और पोस्टपोन क्यों होगा, रीज़न ये भी है सबसे बड़ा कि पोस्टपोन होने का कोई भी इसका मतलब नहीं बनता, अब आपका इसलिए नहीं बनता गाइस क्योंकि आपका अब जो है वो अभी केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन होगा, ठीक है। सिंकोना, टी सिंकोना रबड़, ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता ही क्या होता है, ये एक टाइप का आपका वृक्ष होता है, ठीक है, क्या होता है, वृक्ष होता है। ओनली 2 डे लेफ्ट और 4 टेक डिसीजन, गाइस एक दिन का और वेट कर लो, कल का मुझे लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। चौक को छोड़कर बाकी के सारे सारे हमें क्रॉप से मिलते हैं, सो राइट आंसर इज अ चौक, ठीक है। बाजरा, मस्टर्ड, राइस, वीट एंड बार्ले, साथ के साथ ना तुम मेरे से कोई क्वेश्चन भी पूछते रहते हो ना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, मुझे वो भी चेक करना पड़ जाता है, मुझे उम्मीद नहीं है वैसे एग्जाम जो है वो आपका पोस्टपोन होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले, हाँ मासूम बच्चा बेटा तू एफकेट में जाके बैठा हुआ है ना, 4 दिन पहले कभी भी वो नहीं आते, आएंगे तो 1 हफ्ते पहले आएंगे आपके, ठीक है, या तो वो 1 हफ्ते पहले आएंगे। हाँ जी सुशील स्वामी, देखिए बाजरा, मस्टर्ड, राइस, वीट एंड बार्ले, बताओ। मस्टर्ड को छोड़कर सारे के सारे आपके फूड ग्रेन्स है, एंड मस्टर्ड क्या है, आपका ऑयल सीड है, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड साइकिल, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड साइकिल, हाँ तो बेटा एग्जाम मुझे लगता भी नहीं है पोस्टपोन होगा, होना होता तो अब तक तो नोटिफिकेशन आ जाती, जहां तक मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन अब तक आ जाती, सो मैं कैसे कह दूं कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा।
वैसे कल तुम्हारा भी एग्जाम है, प्रभात के साथ तुम्हारा एग्जाम है भाई। क्या हो गई थी, प्रभात का भी एग्जाम है जिस दिन तुम्हारा भी एग्जाम है। कुमार कंचन जय हिंद, साइकिल विल बी द करेक्ट आंसर। जो साइकिल होगा वो राइट आंसर होगा, हेलीकॉप्टर क्यों राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अफगान की न्यूज़ पता है या नहीं पता, जिसका भी SSB है मैं हजार बार बोल रही हूँ, अफगानिस्तान और तालिबान को ज़रूर देख के जाना। SSB वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। FCAT वालों को तो पेपर बन चुका होगा, तो जहाँ तक के क्वेश्चन आए लेकिन फिर भी पढ़ के चले जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ के जाना चाहिए, कोई भरोसा नहीं एक दिन पहले का डाल दे। दुविधा में दाओ माया मिल रहा ना। चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, साइकिल। क्योंकि साइकिल जो है वो आपकी आपकी उसे फ्यूल से नहीं चलती है, पेट्रोल नहीं डलता है। कैलेंडर ईयर डेट मंथ एंड डे, ईयर डेट मंथ और डे, ये सारे के सारे जो पार्ट है वो आपके कैलेंडर के पार्ट है। सो राइट आंसर इज आकांक्षा, राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कैलेंडर। मुस्कान चौधरी, सूरज, ऑल अदर आर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एरोप्लेन। बेटा गाइस, लोग एरोप्लेन को भी प्राइवेट रख लेते हैं, है ना। एरोप्लेन भी जो है वो आपकी प्राइवेट ही हो चुकी है अधिकतर टाइम, गवर्नमेंट के तो कम ही बचे हैं। कार हुआ, स्कूटर हुआ, हेलीकॉप्टर भी कौन सा प्राइवेट में आता है। हेलीकॉप्टर को आप कह रहे हो कि ऑल अदर आर प्राइवेट हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन इज डिफरेंट। सो सूरज, यहाँ पे आप गलत हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर एंड आपका जो वो है एरोप्लेन वो अलग आएगा, ठीक है। सो उसका जो बिल्कुल सही लॉजिक बनेगा वो यही लॉजिक बनेगा कि साइकिल जो है वो आपकी पेट्रोल से नहीं चलती है। हेलीकॉप्टर के पहिए नहीं होते, मूरख। अफगानिस्तान में मैंने कुछ नहीं कराया, तालिबान ने कर दिया जो भी करना था। और ये मूरख कौन है मेरी क्लास में, अच्छा शुरू से मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है कुमार कंचन। ये वैसे कौन था भाई, हेलीकॉप्टर में पहिए नहीं होते हैं। तनु देखिए, ये हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ट्रंक, ट्री, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर। ट्रंक पता है आपको, ट्रंक क्या होता है, ट्रंक आपको पता है क्या होता है, जो पेड़ का जो तना होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है। इज अ स्टेम, स्टेम होता है आपका जो ट्रंक होता है वो क्या होता है आपका, स्टेम होता है, ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ट्री होगा। क्योंकि सारे के सारे आपका तना हुआ, ट्रंक हुआ, फ्रूट हुआ, लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, ये सारे के सारे पार्ट जो है वो आपके ट्री के पार्ट है। सो राइट आंसर इज अ ट्री। अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है, अरे वेरी गुड आकांक्षा, मेरी क्लास नहीं होती कुछ तो फायदा उठाओ मेरी ना क्लास होने का। चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, बताओ। मेंढक है मेरी क्लास के सारे बच्चे। तो ट्री होगा, वेरी गुड। तना, ट्रंक इज अ तना, स्टेम चिकन। चिकन को छोड़ के, मुर्गा को छोड़ के, मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, चिकन, चिकन को छोड़ के, मतलब आपके स्नेक हुआ, स्वान हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, फ्रॉग हुआ, वो आपके वाटर में भी रह सकते हैं। सो राइट आंसर इज अ चिकन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रियांशु राज, पार्थ, मानसी, मुस्कान, कामिनी, क्यूमिन, ग्राउंडनट एंड क्लोव पेपर एंड सिनेमून। बताओ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इज अ जीरा, मूंगफली, दालचीनी, मिर्च एंड लौंग। हिंदी में भी बता दे, ग्राउंडनट विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के सारे आपके किस में आते हैं, मसालों में आते हैं। किस में आते हैं, मसालों में आते हैं। सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
डेक क्वेस्टन बो एंड मास्ट बताओ. बकुल कुमार. आज मैं भी कुछ ज़्यादा ही स्लो मोशन में पढ़ा रही हूँ, है ना. मुझे भी ऐसा फील सा हो रहा है कि एक जैसे आप लोग बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, क्या पता कल से हम दोबारा से एक एनर्जी के साथ आके आप लोगों को पढ़ाए. 2 बजे नॉन वर्बल एंड 5 बजे वर्बल रीजनिंग. समझ में आ गया. कल 2 बजे वाली उसमें क्या पढ़ोगे, सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल में, वेन डायग्राम डॉट सिचुएशन टेस्ट. देखो जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, देखिए वर्बल रीजनिंग में सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, और ये आपकी डेली क्लासेस चलेंगी. यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो डेली आपको इसके लिए 5 बजे आना पड़ेगा क्लास में. आना है, आओ, नंबर लाने हैं, पढ़ो. ठीक है. नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, क्या पढ़ाऊँ, वेन डायग्राम. ठीक है. नॉन वर्बल सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन एंड डॉट सिचुएशन टेस्ट. ऑफ फिगर मैट्रिक्स, ये सब आएंगे आपके किस में, नॉन वर्बल रीजनिंग में. तो इन सब से हम पढ़ेंगे. तो बता दो भाई आप लोगों को किससे पढ़ना है. ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये कल से स्टार्ट हो रहा है. इसकी क्लासेस हुआ करेगी आपकी 5 PM पर, और इसकी क्लासेस हुआ करेगी आपकी 2 PM पर. चल 45 पे आ जाएंगे, देखूंगी आदित्य तेरा कमेंट आया नहीं आया. ठीक है बेटा, शांति रहे तुम्हारी मैडम. क्वे विल बी द करेक्ट आंसर. स्टर्न बो मास्ट एंड डेक, ये सारे के सारे जो पार्ट्स है वो आपके शिप के पार्ट है, लेकिन जो क्वे है वो आपकी शिप का पार्ट नहीं है. लायन रिलेटेड टू रोर, स्नेक रिलेटेड टू हिज, बीज रिलेटेड टू हम, फ्रॉग रिलेटेड टू ब्लीड एंड डॉग रिलेटेड टू बाग. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से कमेंट करके बताना है. डिफिकल्ट टॉपिक कर दो मैम. अरे जो एफ कैट में आएगा वही तो पढ़ाऊंगी, अपने मन से कोई ना पढ़ा दूंगी डिफिकल्ट. तो ऐसा करते हैं ना, डिफिकल्ट में एस एस वो करा देते हैं, सीरीज या एनालॉगी क्लासिफिकेशन कल. यदि नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको डिफिकल्ट करना है तो मैं कल ऐसा करती हूँ, मात्र या 10 क्वेश्चन सब कुछ नहीं होगा. अब टाइम ऐसा हो गया कि 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने से आपका पेपर नहीं निकलेगा, है ना. 30 क्वेश्चन हम लाएंगे, लेकिन वो होंगे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन. अच्छा बाकी तो हो जाते हैं. इस मुस्कान चौधरी से, तू बेटा तू इंटेलिजेंट है, मेरी क्लास में और भी तो बालक है, है? चलो ब्लड रिलेशन नहीं आता भाई. ब्लड रिलेशन पेपर में कब आने लग गया, ब्लड रिलेशन पेपर में नहीं आता. ठीक है. देखो लायन जो है वो क्या करता है, रोर करता है, धाड़ता है. स्नेक क्या करता है, स्नेक की साउंड होती है ये. मधुमक्खी की होती है, भिन भिन करती रहती है पागलों की तरह. ठीक है. डॉग क्या करता है, बाग करता है. फ्रॉग जो है वो ब्लीड नहीं करता. ब्लीड कौन करता है, मिमियाता कौन है, आपकी भेड़ या बकरी. फ्रॉग जो करता है वो क्या करता है, क्रॉक करता है. सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको. हार्ड रिलेटेड टू सॉफ्ट एंड पॉइंटेड रिलेटेड टू ब्लंट, स्वीट रिलेटेड टू सोर, लॉन्ग हाई डे नाइट. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. वेरी गुड मुस्कान कुमार. कंचन एक वो है, कंचनजंगा मूवी, भूतिया मूवी. अमित जी जीनियस कंटेंट. लॉन्ग एंड हाई विल बी द करेक्ट आंसर. लॉन्ग एंड हाई क्यों विल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्वीट सॉर हुआ, पॉइंटेड ब्लंट, हार्ड सॉर, डे नाइट, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. सारे के सारे क्या है, आपके अपोजिट है. लॉन्ग के अपोजिट आएगा आपका शॉर्ट, और हाई के अपोजिट आता है आपका लो. लॉन्ग एंड हाई दोनों आपका क्या है, वो नहीं है. बकुल क्या है, अपोजिट नहीं है. ठीक है प्रभात, वो भाग गया क्या प्रियांशु. अरे है यहाँ पे क्या है. अच्छा प्रभात ऐसा है क्या, उसका कनेक्शन. अच्छा ये प्रियांशु पढ़ने नहीं आता हमसे, ये प्रभात से चटियाने आता है. ठीक है. गुड इवनिंग अभिषेक,
मुर्गा बन जा, क्लास में आए तो मुर्गा भी बन जा। टाइम देखियो 31 मिनट तुम लेट हो तो पनिशमेंट तो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट हैवी क्राइम ब्लैंक शॉर्ट लॉन्ग मैन एंड वुमेन, मैन वुमेन बोथ आर अपोजिट, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों अपोजिट, लाइट एंड हैवी दोनों अपोजिट। क्राइम और ब्लेम जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्राइम होता है अपराध, ब्लेम होता है आरोप लगाना, लेकिन ये दोनों अपोजिट नहीं है। सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एफिड इज रिलेटेड टू पेपर, मोथ इज रिलेटेड टू वुड, टर्माइट इज रिलेटेड टू वुड, एंड लोकस इज रिलेटेड टू प्लांट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं है प्रियांशु, मैम कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, अब तक तेरा कॉलेज का एग्जाम चल रहा था। नो मैम ऐसा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एफिड जो है वो आपके पेपर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, खाता नहीं है, डैमेज नहीं करता। जो आपका फर्स्ट है वो एक टाइप का एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, जो आपके क्या है डैमेज करता है, किसको, सेकंड को डैमेज करता है। सो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा बकुल। ठीक है रोहित, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वैभव भारद्वाज, एसएसबी की डेट कब है तुम्हारी? अब 16 अगस्त से एग्जाम चल रहे थे, 16 अगस्त तो अभी दो दिन पहले, कल ही तो गई है 16 अगस्त, आज 17 अगस्त ही तो हुई है। चलिए, सर्कल रिलेटेड टू आर्क एंड लाइन रिलेटेड टू डॉट, हेक्सागन रिलेटेड टू एंगल एंड स्क्वायर रिलेटेड टू लाइन। बताइए, तुम एग्जाम भी देते हो? अरे देखिए, सर्कल जो है वो आपकी आर्क से बनती है, लाइन जो है वो आपकी डॉट से बनती है, स्क्वायर जो है वो आपका लाइन से बनता है, लेकिन हेक्सागन जो है वो आपका एंगल से नहीं बनता। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है? बताइए सी ऑप्शन जो बनेगा वो आपका राइट और नॉट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड रिलेटेड टू ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ रिलेटेड टू गारमेंट्स, वुड रिलेटेड टू फर्नीचर, लेदर रिलेटेड टू फुटवेयर, अर्थन पॉट्स इज रिलेटेड टू क्ले। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, गोल्ड से आभूषण बनते हैं, सोने से आभूषण बनते हैं, कपड़े से गारमेंट्स बनते हैं, वुड से फर्नीचर बनता है, लेदर से फुटवियर बनता है, मिट्टी के बर्तन से क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी, मिट्टी के बर्तन से क्या मिट्टी बनेगी, नहीं। सो राइट आंसर एग्जाम्पल वाले, इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनेगा आपका ई ऑप्शन, कार्तिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शू इज रिलेटेड टू लेदर, आयरन रिलेटेड टू एग, टेबल इज रिलेटेड टू वुड, ज्वेलरी रिलेटेड टू गोल्ड, एंड शर्ट इज रिलेटेड टू फैब्रिक। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जूते हैं वो किससे बनते हैं, लेदर से, टेबल जो है वो किससे बनती है, वुड से, ज्वेलरी गोल्ड से, शर्ट फैब्रिक से, लेकिन जो कुल्हाड़ी होती है वो आपके आयरन से बनती है। यदि आपका ऑप्शन में ये होता तो आप ये कहते हैं बिल्कुल राइट होता, लेकिन आपका जो अपोजिट है वो आपका क्या बन रहा है, गलत बन रहा है। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इल्मा खान, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अर्थन पोर्ट्स पे चल रहा है संचित, संचित लाइव कर ले बेटा, अर्थन पोर्ट्स तो कब का चला गया। ठीक है, बोतल, अरे बोतल इज रिलेटेड टू वाइन, बोतल इज रिलेटेड टू वाइन, कप इज रिलेटेड टू टी, पेचर इज रिलेटेड टू वाटर, बॉल इज रिलेटेड टू बैट, एंड इंकपॉट इज रिलेटेड टू इंक। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी है। अभिषेक कैसे हो भाई, सही बात है, अपोजिट रहता तब राइट होता, बिल्कुल। ये देख प्रभात ने यहाँ पे भी दोस्त बनाए, तुम तो कह रहे थे मेरी क्लास में यहाँ पे कोई तेरा दोस्त नहीं है, तो मेरा मन नहीं लगता प्रभात। यहाँ पे तेरे तो दोस्त बन गए, सबको राम राम श्याम श्याम कर रहा है भाई तू तो।
देखे बोतल में क्या रखी जाती है, वाइन रखी जाती है, कप में चाय रखी जाती है, घड़े में पानी रखा जाता है, जो इंक पॉट होता है तो उसमें क्या रखा जाती है, इंक रखी जाती है, क्या बैट में बॉल रखी जाती है। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट, कार रिलेटेड टू बस, पॉन्ड रिलेटेड टू लेक एंड पिस्टल रिलेटेड टू गन, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शिवम कुमार, मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ, मैं मत बना, दोस्त बनाने ना मत बना, रहने दे, पढ़ ले। कार बस, वाई कार बस, कार बस क्यों बनेगा, मारूंगी पकड़ खींच के, कार और बस बनेगा, मुंह रख कहीं के, कार बस क्यों बन जाएगा रे। कार बस जो है वो राइट आंसर इसका नहीं बनेगा। राइट आंसर इज अ चर्च एंड मॉन्यूमेंट। कार और बस एक कैटेगरी में आते हैं, व्हीकल की कैटेगरी में। पॉन्ड और लेक भी आपके एक कैटेगरी में आते हैं, पिस्टल और गन भी आपकी एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट अलग होता है, चर्च अलग होता है। यदि चर्च की जगह यहाँ पे मॉन्यूमेंट की जगह टेम्पल होता तो ये चर्च और जो टेम्पल है वो बिल्कुल सही होता। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ शेफ इज रिलेटेड टू वीट, ग्रेट इज रिलेटेड टू पल्सेस, ग्रेन इज रिलेटेड टू क्रॉप एंड ड्रेक्स इज रिलेटेड टू वाइन, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हे राम, कोई प्रभात को बताओ ये एग्जाम, ये जो क्लास है वो किसके लिए हो रही है। इतने में क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेन एंड क्रॉप विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो जितने भी यहाँ पे नलायक बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, वो पता नहीं क्यों दे रहे हैं डी ऑप्शन, है वाइन को देख के डी ऑप्शन दे दिया क्या, ड्रेक्स रिलेटेड टू वाइन। बताना जरा, शिक्षा ये सारे से बात करूं। फर्स्ट इज द वेस्टेज ऑफ सेकेंड, भूसा जो है वो आपका किसका होता है, वीट का होता है, आटे का होता है, गेहूं का होता है। आपका जो भूसा होता है वो किसका होता है, गेहूं का होता है। वैसे ही पल्सिस की क्या होती है, आपकी ग्रिट होती है। क्या कहा जाता है उसे, ग्रिट कहा जाता है, ठीक है। कंकड़ी टाइप नहीं होता, कंकड़ पत्थर निकलते हैं तो वो किस में से निकलते हैं, आपके दालों में से निकलते हैं, पल्सेस में से निकलते हैं, ठीक है। ग्रेन और क्रॉप, आपके जो ग्रेन है वो आपका वेस्टेज चीज नहीं है, किसकी, क्रॉप्स की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने के लिए, हाँ चलो वो बहुत अच्छी बात है, शौक है नहीं तभी तो रीजनिंग टफ है। रीजनिंग क्यों टफ है, क्योंकि किसी के मीनिंग नहीं पता होते, इसलिए रीजनिंग टफ है, ठीक है। चलो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्लास में बच्चे काफी लेट आए हैं, तो मैं आप लोगों को एक टाइमिंग बता देती हूँ। कल का जो टाइमिंग होगा वो होगा आपका 2 बजे का टाइमिंग होगा, जहाँ पे हम नॉन वर्बल रीजनिंग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन बेंच डिफेंस पर, और 5 बजे की क्लास होगी वर्बल रीजनिंग की, ठीक है। सो गाइस कल हमसे जुड़ना नहीं भूलना, और अभी तुरंत 6 बजे क्या है, मैथ की क्लास है आपकी, उसको जरूर ज्वाइन करना। और साथ के साथ CDS Aspire हमारा क्या आ रहा है, बैच आ रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर से जाके, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।